जीवन में यदि सलामत रहना है ना तो हर किसी से सलामत लेना। बिल्कुल सही सुना आपने, यदि सलामत रहना है ना तो हर किसी से सलामत लेना, क्योंकि हर इंसान के रास्ते अलग होते हैं और हर रास्ते की अलग मंजिल होती है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा, आपको खुद को जानना होगा। आपको जिंदगी में लक्ष्य क्यों तय करना चाहिए, दो अनूठे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। पहला तो ये कि जब आपने लक्ष्य तय नहीं किया है तब क्या होता है। मान लीजिए आपने लक्ष्य तय नहीं किया जिंदगी में, अब आप उस मंजिल के करीब पहुंच भी गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे जाना कहाँ था, मुझे रुकना कहाँ था। भले आप मंजिल के करीब है, मंजिल के पास में है, आप तो जा ही नहीं सकते। और दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठकर सवारी कर रहे हैं, ट्रेन 8 स्टेशनों से होकर गुजरती है, आपको उतरना है 6ठे स्टेशन पर। अब 6ठे स्टेशन पर उतरने से पहले ये 5 स्टेशन से आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो इन 5 स्टेशनों में पता है क्या, आप बढ़िया आराम से अपना फोकस के साथ थोड़ी नींद ले सकते हैं, अलार्म के साथ बैठ सकते हैं, सुकून से अपना काम कर सकते हैं। अभी ज़िंदगी में क्या होता है कि आपको जो 5 स्टेशन पता है कौन कौन से, मान लो कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई आपकी, आप हमारी कंपनी में आ जाइए, हमारे साथ में शामिल हो जाइए, आपके मन में कभी कभी कोई ऐसा आया कि नहीं मैं ये काम कर लूँ, अपना काम छोड़कर कुछ कर लूँ, ये 5ों जो स्टेशन है ना उनसे आपको कोई मतलब नहीं, आपको 6ठे स्टेशन तक अपनी मंजिल तक जाना है। तो इस तरह से लक्ष्य आपके जीवन में काम करता है। यदि लक्ष्य नहीं है ना तो फिर ये 5 स्टेशन आपको कहीं भी उतार लेंगे। और जिस तरह बिना 5 स्टेशन के, बिना अपने 7वें स्टेशन का पता किए हुए आप सवारी नहीं कर सकते ना, उसी प्रकार जिंदगी में बिना लक्ष्य के आप कहीं आगे नहीं जा सकते। आप बस वहीं गोल गोल घूमते रहेंगे, जितना आता है उतना ही सीखेंगे और जितना जो है उसके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। पर आपको एक बार पता है कि मुझे इस मंजिल तक जाना है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आज नहीं, देर सवेर उस स्टेशन तक, उस मंजिल तक आप पहुंच ही जाएंगे दोस्तों। वो इंसान जो सफल है और वो इंसान जो असफल है, दोनों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। जो इंसान सफल है वो एक काम को लगातार करता रहता है, और जब आप किसी काम को लगातार करते हैं ना तो वो काम आपकी जान पहचान मान सम्मान और आखिरी में हुनर बन जाता है। और जब आप किसी काम को छोड़ते रहते हैं, जब आप किसी काम को लगातार नहीं करते हैं, तो वो काम आपको परेशान करता है और आखिरी में आपके परेशान रहने का कारण बन जाता है और आपको असफल महसूस करते हैं। अब निर्णय आपका है कि आप किसी काम को लगातार करेंगे या किसी काम को लोग अक्सर पूछते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ टिप्स दो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए वो बताओ। मैं कहता हूं कि आप सच बोलने की आदत डालिए। दुनिया में सच से बड़ा कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। आप क्या सोच रहे हैं, एक दिन आपकी किस्मत बदलेगी, आकाशवाणी होगी और मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू गाड़ी आपके लिए आएगी, 4 से 5 लाख रुपए महीने की सैलरी आएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया। आपको इन्हीं हाथों से अपनी किस्मत की लकीरें लिखना होगा और इन्हीं हाथों से अपनी किस्मत बुनना होगा। वरना इस दुनिया में कितने आते हैं और कितने जाते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ आपकी मेहनत और जज्बे से पड़ता है, क्योंकि आप उसी से अपनी किस्मत लिख सकते हैं।